हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने कहाँ तक कर लिए थे, 10 तक हो गए थे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स हमारा चैप्टर चल रहा है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया। फर्स्ट पार्ट 12 का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लोग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस कितना 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर सिद्ध करना है हमें, पाई लोग 2, पाई लोग 2। चलिए जिसकी वैल्यू निकालनी सो आई के बराबर मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लोग एलसीएम ले लीजिए इसमें, तो ऊपर बच जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपोन एक्स 1 अपोन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम इसमें x को मानेंगे tan थीटा। x को tan थीटा इसलिए मानेंगे क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सोल्व हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो इसमें तुम क्या मान लीजिए, लेट x इक्वल टू कितना मानना tan थीटा, तो dx कितना आएगा यहाँ से sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आएगा। लिमिट भी चेंज करिए, जब x बराबर 0 वहम x बराबर 0 तो थीटा भी कितना आएगा 0 ही आएगा, और जब x बराबर कितना पाई बाय 2, जब x इन्फिनिटी x बराबर कितना इन्फिनिटी तो थीटा बराबर कितना आएगा पाई बाय 2, तो थीटा की लिमिट आ गई 0 टू पाई बाय 2। तो ये बन गया यहाँ पे आई इक्वल टू चल रहा ना, ये लिमिट बन गई कितनी 0 टू पाई बाय 2 लोग। चलिए वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ही, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कह दीजिए, कितना भी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नमस्ते, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो कट जाएगा ये, तो ये आ गया यहाँ से 0 टू पाई बाय 2 लोग कितना हो जाएगा ऊपर ये सेक स्क्वायर थीटा बटी टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बटी सेक स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बटी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये तो कट जाएगा। इसको लिख लेंगे 0 टू पाई बाई 2 लोग सेक स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बटी टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटी कोस थीटा इंटू कितना डी थीटा 0 टू पाई बाय 2 लोग एक कोस कट जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, कर लीजिए। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे जिससे नीचे साइन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लोग 2 बटे 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 टू
पाई बाय टू लोग टू अपोन कितना हो जाएगा साइन टू थीटा हो जाएगा, लोग एम अपोन एन लोग एम माइनस लोग एन हो जाएगा। तो इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू कितना आ जाएगा बोलिए, लोग टू माइनस लोग साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। शुरू वाले को अलग कर लीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ से जीरो टू पाई बाय टू लोग टू तो आगे आ जाएगा इसमें कॉन्स्टेंट है ठीक है, कितना जाएगा लोग टू और वन का कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो कितना बचेगा बोलिए, लोग टू फिर वन बचेगा, वन का इंटीग्रल कितना हो जाएगा थीटा, लिमिट बोल दीजिए इसकी जीरो टू पाई बाय टू माइनस इसको अलग लिख लीजिए जीरो टू पाई बाय टू लोग साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। किसकी वैल्यू चल रही है आई की, इसको आई वन मान लीजिए, इसको अलग सोल्व करेंगे ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे, इसे आई वन मान लेंगे अलग से और तब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, तो बोलो कितना आ जाएगा आई बराबर पाई बाई टू लोग टू आ जाएगा ना, पाई बाई टू लोग टू इसे क्या कह दीजिए आई वन, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट वेयर आई वन इक्वल टू आगे लिखेंगे चलिए आई वन की वैल्यू देखिए, वेयर आई वन इक्वल टू कितना जीरो टू पाई बाय टू लोग लोग साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। टू थीटा को टी मान लीजिए, लेट टू थीटा इक्वल टू कितना मानिए टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी थीटा बराबर डी टी बाई टू, लिमिट भी चेंज करेंगे जीरो तो जीरो ही आएगा और पाई बाई टू रखेंगे तो पाई आएगा, लिख दो सीधा ही जीरो टू पाई लोग साइन टी डी टी बाई टू डी टी बाई टू। तो कितना आ जाएगा ये वन बाई टू जीरो टू पाई लोग साइन टी इंटू डी टी। अब यदि इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे फोर तो रिपीट होगा यही आएगा, तो इसमें देखिए क्या करिए तुम, इसमें टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, छठी प्रॉपर्टी लगाएंगे चेंज थोड़ी हो रहा फंक्शन, तो दो आगे आ जाएगा है ना, दो आगे आ जाएगा तो कितना बचेगा टू बाई टू ठीक है, लिमिट कितनी जीरो से कितनी बचेगी अभी ये पाई बाई टू लोग साइन टी इंटू डी टी। किसकी वैल्यू है ये आई वन की वैल्यू है, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, इसको चलिए इक्वेशन मान लेंगे सेकंड मान लेंगे ठीक है करिए। आई वन कितना आ गया यहाँ पे, आई वन इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लोग साइन टी इंटू डी टी, इसको चलो सेकंड मान लेना, इसको इक्वेशन क्या मानना तुम सेकंड। चलिए प्रॉपर्टी लगाइए इसमें, फोर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए जीरो टू पाई बाय टू लोग साइन पाई बाय टू माइनस टी इंटू डी टी, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेना चलिए। तो ये आ जाएगा जीरो टू पाई बाय टू है ना, लोग लोग कितना लोग कोस टी इंटू डी टी, इक्वेशन क्या आ गई है फोर। इधर क्या चल रहा बोलिए आई वन चल रहा, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए इनको ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस फोर करेंगे तो बताइए क्या आएगा,
इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर फोर कितना आ जाएगा यहाँ से, टू आई वन आ जाएगा, इनको भी जोड़ दीजिए, जीरो टू कितना पाई बाय टू, इनको जोड़ेंगे तो कितना लोग लोग एम प्लस लोग एन कितना आ जाएगा, लोग साइन टी है ना, इनटू में आ जाएगा ना कितना कोस टी इनटू कितना डी टी, क्या करेंगे बोलिए इसमें, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करेंगे, ठीक है करना इतना। तो ये बन गया कितना भी, ये साइन टू टी बन गया है ना, तो ये इधर तो कितना चल रहा है टू आई वन, टू आई वन इक्वल टू ज़ीरो टू पाई बाय टू लोग साइन टू टी, माइनस में कर लीजिए इसको, माइनस कितना लोग टू इंटू डी टी, ये अलग अलग इंटीग्रल कर लो, इधर तो कितना भाई टू आई वन ज़ीरो टू पाई बाई टू। इक्वेशन सेकंड में देखना किस में था फंक्शन, एक्स में था या किस में था, थीटा में, तो इसको थीटा भी लिख सकते हैं ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकते हैं, लोग साइन टू थीटा इंटू, इसको अलग कर लीजिए, माइनस के कितना लोग टू वन का कितना हो जाएगा बोलो टी, लिमिट बोलो कितनी ज़ीरो टू पाई बाय टू, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से किसके बराबर है ये, फ्रॉम इक्वेशन किससे सेकंड से बोलिए किसके बराबर है ये आई वन, तो कितना आ जाएगा बोलिए टू आई वन, ये किसके बराबर आ गया आई वन, माइनस के कितना आ जाएगा बोलिए पाई बाय टू इंटू पाई बाय टू इंटू लोग टू, इसे इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आई वन बराबर कितना आ गया माइनस के पाई बाय टू इंटू लोग टू। आई वन की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आई वन, वहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये पाई बाय टू लोग टू, और वहाँ भी कितना था पाई बाय टू लोग टू, जुड़ के कितना आ जाएगा पाई लोग टू आ जाएगा, ठीक है आधा आधा कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। तो बताइए ये आई वन की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आई वन इन केस में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है तो आ जाएगा आंसर, ठीक है कर लीजिए। आ गया ना इसका आंसर, चलिए आगे देखिए सेकंड पार्ट तो ऐसा ही है इसका ही, 12 का सेकंड पार्ट ऐसे ही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट देख लीजिए, 12 का थर्ड पार्ट देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 का थर्ड पार्ट। तो ये इंटीग्रल्स के बराबर लाना हमें, तो आई मान लीजिए प्रूफ देखिए, जो भी दिया है इंटीग्रल इसको क्या मान लीजिए आई ज़ीरो टू कितना वन लोग वन प्लस एक्स अपोन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स बराबर बताइए क्या मानेंगे इसमें, टेन थीटा ही मानिए, एक्स बराबर कितना टेन थीटा, डी एक्स बोलिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, वहन एक्स बराबर ज़ीरो, वहन एक्स बराबर ज़ीरो तो थीटा बराबर बताइए ज़ीरो, वहन एक्स बराबर वन थीटा बराबर पाई बाई फोर, तो लिमिट कितनी आ गई इसकी ज़ीरो से लेके पाई बाई फोर, लिमिट आ गई कितनी ज़ीरो टू पाई बाई फोर लोग वन प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा बटे कितना वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स का मान बोलिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा,
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा यहाँ से जीरो टू कितना पाई बाई फोर है ना लोग वन प्लस कितना टेन थीटा बटे कितना हो गया ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा जीरो टू पाई बाई फोर लोग वन प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा किसके बराबर चल रहा है आई के बराबर चल रहा। ठीक है, इसमें फोर प्रॉपर्टी यदि लगाएंगी तो कितना आ जाएगा बोलिए जीरो टू पाई बाई फोर लोग वन प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा इंटू डी थीटा इंटू कितना डी थीटा। लोग ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पे तो जीरो टू कितना पाई बाई फोर लोग बोलना कितना वन प्लस टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलना टेन टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा अपोन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा और इंटू कितना डी थीटा और आ जाएगा इंटू कितना डी थीटा। ठीक है, एलसीएम ले, अच्छा टेन पाई बाई फोर का मान रख देंगे वन एलसीएम लेंगे तो आसानी हो जाएगा। ये तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू रख दीजिए इसमें वन तो ये आ गया जीरो टू पाई बाई फोर लोग वन प्लस वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें वन प्लस टेन, ठीक है वन प्लस टेन थीटा एलसीएम आ जाएगा जीरो टू पाई बाई फोर लोग वन प्लस टेन थीटा वन में गुना करेंगे तो वन प्लस टेन थीटा प्लस वन माइनस टेन थीटा तो क्या कट जाएगा ठीक है इंटू कितना भी आएगा डी थीटा जीरो टू पाई बाई फोर लोग टू टू हो जाएगा ना लोग एम अपॉन एन भी लगा दीजिए लोग टू माइनस लोग वन प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए अलग अलग कर दीजिए लोग टू आगे आ जाएगा इसके इंटू में वन है वन का करेंगे तो थीटा लिमिट कितनी जीरो टू पाई बाई फोर माइनस आई के बराबर है ना ये इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा आई और इधर भी कितना चल रहा आई के बराबर चल रहा तो ये कितना हो जाएगा टू आई ये पाई बाई फोर टू अपॉन में आएगा पाई बाई एट इंटू लोग टू यही लाना। ठीक है थर्ड इन की फर्स्ट पार्ट को देखिए इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आई मान लीजिए इसको सॉल्यूशन देखिए क्या मान लीजिए इसको आई थर्ड इन का फर्स्ट लेट आई मान लिया हमने इसको टेन को लिख लीजिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो जीरो टू पाई बाई टू वन अपोन वन प्लस
साइन एक्स अपोन कोस एक्स इंटू डी एक्स, एलसीएम कोस एक्स आएगा और ऊपर चला जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू कोस एक्स बटी कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू इक्वेशन क्या मानिए फर्स्ट, फोर प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, तो ये तो आसानी क्वेश्चन है वैसे तो, जीरो टू पाई बाई टू कोस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स बटी कोस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई टू माइनस इंटू डी एक्स। तो देखिए कितना आ गया यहाँ से आई बराबर जीरो टू पाई बाई टू, ऊपर कितना आ जाएगा साइन एक्स बटी साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई बाई टू, जोड़ेंगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा ऊपर, जोड़ेंगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स और बटे में भी कितना आ जाएगा ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स ही आ जाएगा इंटू डी एक्स, वन बचेगा ना 0 टू पाई बाई टू, वन इंटू वन का कितना आ जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई टू, तो कितना आ जाएगा ये पाई बाई टू, किसका मान है ये 2i, i बराबर कितना पाई बाई फोर। ऐसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कोटेक्स दे रखा, तो कोटेक्स को कोस एक्स बटे साइन एक्स लिख के सेम ऐसे ही होएगा, उसका आंसर भी कितना आएगा पाई बाई फोर ही आएगा। तो सेकंड पार्ट तो कर लोगे इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 का फर्स्ट भी ऐसा ही है ठीक है, जैसा इसका 14, हाँ 14 का ठीक है, एक मिनट पहले 15 देखना, क्वेश्चन नंबर 15 को देखना, 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स बटी अंडर रूट कोस एक्स बराबर पाई बाई फोर ही लाना, ऐसे ही होएगा बिल्कुल आई मान के। सेकंड पार्ट देखना, सेकंड भी ऐसा ही है, 15 के थर्ड पार्ट में अंडर रूट टेन एक्स को क्या मान लेंगे, वो टेन एक्स को पहले इसका फॉर्मूला खोल लेंगे साइन एक्स बटे कोस एक्स, तो ऐसे ये भी पाई बाई फोर की लाना। इसके फोर्थ पार्ट में देखना, 15 के फोर्थ पार्ट में जो अंडर रूट टेन एक्स है इसे क्या लिख लेंगे अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट, और नीचे भी क्या लिख लेंगे अंडर रूट साइन एक्स बटे, सब किसके बराबर ही लाने पाई बाई फोर, तो जैसा भी क्वेश्चन किए उन्हीं के जैसे ही होंगे ही, और सोलवा भी ऐसा ही है ना, सोलवा भी हो जाएगा ये, सोलवा भी तो देखना बिल्कुल सेम ऐसा ही है ही, तो हो जाएगा ये 16 भी है ना। चलिए 17 वो 16 का कौन सा पार्ट था ये, फर्स्ट पार्ट तो हो ही जाएगा है ना पाई बाई फोर ही लाना, सेकंड पार्ट देख लो 16 का सेकंड पार्ट, सोलवे के सेकंड पार्ट में देखना क्या दिया, इंट्रीगल 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बटी साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो बताइए इसमें फोर प्रॉपर्टी लगाएंगे इसे इक्वेशन, तो मान लीजिए फर्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें प्रॉपर्टी फोर लगाएंगे तो 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स बटी साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो किसके बराबर आएगा ये ऊपर कोस स्क्वायर एक्स आएगा ना, तो लिमिट कितनी 0 टू पाई बाई टू, ऊपर कितना आ जाएगा बोलिए कोस स्क्वायर एक्स बटे में बोलिए
कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू इक्वेशन कौन सी आ जाएगी ये सेकेंड, इधर क्या चल रहा है आई आई, दोनों को ऐड कर दीजिए जोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड आई और आई कितना हो जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई बाय 2, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है ना, और ये जो एलसीएम है नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, तो ऊपर तो 1 हो जाएगा, ऊपर तो कितना आ जाएगा 1, तो 2 आई बराबर 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, इसमें 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई करना और 1 अपॉन रूट 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा यहाँ पे भाई साइन एक्स तो है ही इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस कोस एक्स इंटू, अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया जिससे नीचे फार्मूला बन जाए साइन में ये किसके बराबर होता है कोस पाई बाई 4 कोस एक्स साइन पाई बाई 4, फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन कोसेक और कोसेक का हम इंटीग्रल जानते हैं, तो ये बन गया कितना जाएगा यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 2 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कितना कोस प्लस कोस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 इंटू कितना डी एक्स 1 अपॉन रूट 2 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 1 बटे साइन कोसेक हो जाएगा ना, तो करिए इतना करिए तो ये आ गया कितना 1 अपॉन अंडर रूट 2 0 टू पाई बाई 2 कितना जाएगा कोसेक, कोसेक कितना एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू डी एक्स, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रल याद होना चाहिए, कोसेक एक्स का इंटीग्रल कितना होता है लोग कोसेक एक्स माइनस, याद ना हो तो लिख लेना ये फॉर्मूला होता है इसका, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा लोग कोसेक एक्स प्लस कितना पाई बाई 4 कोसेक, हाँ माइनस कोट एक्स प्लस पाई बाई 4 लिमिट बोल दीजिए 0 से कितनी पाई बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 लिमिट रखिए पाई बाई 2 रखेंगे तो लोग कोसेक 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में, तो कोसेक का चेंज होकर बताना क्या आएगा, कोसेक का चेंज होकर क्या आएगा सेक कितना सेकंड में कैसा होएगा प्लस, सेकंड में प्लस साइन और कोसेक सेकंड में प्लस होते हैं पाई बाई 2 यहाँ भी आएगा, तो कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में ही, तो चेंज हो जाएगा कितना आएगा माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 10 पाई बाई 4 अब कितना रखेंगे 0 0 रखना माइनस माइनस कितना जाएगा बोलो कोसेक
कोसेक कितना? पाई बाई फोर। उधर से तो कर ही लिया होगा ये, हाँ। तो आगे बोलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कोट पाई बाई फोर, वैल्यू रखिए वन अपॉन अंडर रूट टू लोग सेक पाई बाई फोर का मान रूट टू प्लस वन माइनस, ठीक है, कोसेक का भी कितना आएगा रूट टू प्लस कितना वन, ठीक है, वन और वन कितना हो जाएगा टू, ठीक है, कितना लाना रूट टू प्लस वन लाना है इसमें, तो लोग के सामने है ना। एक मिनट जरा यहाँ देखिए, एक गलती यहाँ हो गई, पहले क्या रखी हमने अपर लिमिट लोग है ना ये, फिर माइनस कितना आना था, अब कितने रखेंगे इसमें लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखिए क्या होता, लोअर लिमिट रखेंगे तो बताइए कितना आएगा लोग, ठीक है, बोलो कितना, जीरो रखेंगे तो कितना आएगा कोसेक पाई बाई फोर माइनस कोट पाई बाई फोर, ये आता। अरे बात समझ नहीं आई गई, अरे पहले इसमें हमने अपर लिमिट रखी माइनस, तो लोग भी तो था ही, तो यहाँ तक तो सही है ना ये, तो यहाँ से आगे बोलो माइनस लोग, बोलो कितना रूट टू माइनस वन, ठीक है, लोग एम माइनस लोग एन, लोग एम अपोन एन वन अपोन अंडर रूट टू लोग रूट टू प्लस वन बटे रूट टू माइनस वन, ठीक है, नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना टू आई चल रहा ना, इधर इधर कितना चल रहा है टू आई वन अपोन रूट टू, तो नीचे के कॉन्जुगेट से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा लोग रूट टू प्लस वन का नीचे रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन आएगा, कितना आएगा टू माइनस वन वन अपोन रूट टू लोग रूट टू प्लस वन का दो आगे आ जाएगा ना, दो बटे रूट टू लोग रूट टू प्लस वन, इधर क्या चल रहा है टू आई क्या कट जाएगा टू, तो आई का मान यही आ गया ना, आई बराबर वन अपॉन रूट टू प्लस वन, देखो यही तो लाना, ठीक है, यही लाना। ऐसा ही इसमें क्वेश्चन, ठीक है, 17 भी ऐसा ही है, आंसर भी चेक कर लेना, उसका आंसर भी इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। एक चलिए बस 18 और कर लेते हैं, 18 का फर्स्ट पार्ट और कर लीजिए, बस इसमें एक 18 का फर्स्ट और करेंगे केवल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या आई मान लीजिए, प्रूफ देखिए इसका, जो भी दिया इसको क्या मान लीजिए आई, आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू फाई साइन टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसमें फोर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जीरो टू पाई बाई टू फाई, बोलिए कितना आएगा साइन टू पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना,
और आगे बोलिए, साइन कितना, पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू कितना डी एक्स, दो के अंदर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो टू पाई बाय टू फाई साइन पाई माइनस टू एक्स तो बचेगा, पाई माइनस कितना आएगा टू एक्स, आगे बोलिए किसके बराबर हो जाएगा ये, इंटू डी एक्स, साइन एक सौ अस्सी माइनस थीटा, साइन थीटा ही आएगा तो किसके बराबर आ जाएगा ये, जीरो टू पाई बाय टू, जीरो टू पाई बाय टू, बोलिए कितना आ जाएगा फाई साइन टू एक्स ही आएगा, साइन टू एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, देखना ई लाना क्या, तो इसका एक पार्ट हो गया ही, करिए चलिए 18 का ही फर्स्ट पार्ट का दूसरे वाला पार्ट देखिए, ये इससे हमें ये सिद्ध करना, ठीक है, तो चलिए इसको आई मान लीजिए, प्रूफ देखिए इसका, ठीक है 18 के फर्स्ट के दो पार्ट हैं, पहला तो अभी कराया है, अब चलिए इसको देखिए जो सेकंड वाला था ये सिद्ध करना, प्रूफ में इसको आई मान लीजिए, लेट आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू फाइव साइन टू एक्स साइन टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, अब लिमिट देखिए कितनी लानी, जीरो से पाई बाई फोर, और कितना भी लाना इसमें अंडर रूट टू भी लाना, तो पाई बाई फोर लाने के लिए तुम इसमें लेट एक्स बराबर मान लीजिए पाई बाई फोर प्लस टी मान लीजिए, और डी एक्स बताइए कितना आएगा, यदि इसको मानेंगे देखिए लिमिट पाई बाई फोर आ जाएगी, डी एक्स कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा डी टी, लिमिट भी चेंज करेंगे इसकी, लिमिट चेंज करिए वहन वहन एक्स बराबर ज़ीरो, एक्स बराबर ज़ीरो रखेंगे तो टी बराबर कितना आएगा, टी बराबर माइनस के पाई बाई फोर, वहन एक्स बराबर पाई बाई टू, तो यहाँ पे पाई बाई टू रखेंगे, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, पाई बाई टू में से पाई बाई फोर घटाएंगे, पाई बाई फोर ही आ जाएगा, तो जब एक्स बराबर किसके हो, पाई बाई टू के बराबर हो, तो टी कितना आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के पाई बाई फोर आ जाएगा, ऊपर ये माइनस का आया नीचे प्लस का आया, तो लिमिट कितनी आ गई, माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर, ये वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर फाई साइन टू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी मानी हमने, पाई बाई फोर प्लस टी, आगे बोलिए एक्स की जगह रख दीजिए साइन, रख दीजिए इसमें भी पाई बाई फोर, पाई बाई फोर प्लस टी इंटू डी टी, टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल लेंगे, ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद में ऊपर पिटा के ऊपर करूँगा इसको, देखिए तो क्या आ जाएगा ये, लिमिट माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर, ठीक है फाइव साइन, ठीक है इस तरीके से दिया ही, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, साइन साइन टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस कितना टू टी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन पाई बाई फोर साइन ए कोस बी कोस टी प्लस कोस पाई बाई फोर इंटू साइन टी इंटू डी टी, तो ये आया कितना, माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर फाइव साइन साइन नब्बे प्लस थीटा कोस थीटा, यानी कि कितना आ जाएगा, कोस टू टी के बराबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टू, और ये भी वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू कॉमन ले लीजिए,
वन अपॉन रूट टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, कोस टी प्लस साइन टी इंटू डी टी। इसको अलग अलग कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर फाइव कोस टू टी इंटू कोस टी इंटू डी टी प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर फाइव कोस टू टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। ये लिमिट माइनस ए से ए हो तो ये देखिए कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, क्योंकि साइन माइनस टी माइनस साइन टी होता है और यहाँ से कोस माइनस टी प्लस के कोस होगा, तो ये इवन फंक्शन है और ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन की वैल्यू तो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर, ठीक है। और ये दुगना हो जाएगा, शुरू वाला ये दुगना हो जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये टू अपॉन रूट टू लिमिट कहाँ से जीरो टू पाई बाई फोर फाइव, और टू को एक्स में भी बदल सकते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है टू को किस में बदल सकते हैं, एक्स में, तो कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ से कोस टू एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। टू को लिख लेंगे रूट टू इंटू रूट टू, कट जाएगा, कट जाएगा, तो बोलिए कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट टू लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर फाइव कोस टू एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो यही प्रूफ करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हुआ, ठीक है। तो चलिए ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पर कराएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।